के पूर्व कप्तान विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रविवार को एचबीएसएन टेस्ट के तीसरे दिन 20 रन बनाने के बाद टीम इंडिया के स्टार इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट होकर लौट गए। विराट कोहली रविवार को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन 40 गेंदों पर 4 चौके लगाने के बाद विराट कोहली स्टोक्स की गेंद पर जो रूट को कैच दे बैठे। 17वें ओवर में हनुमा विहारी के विकेट के बाद विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा का साथ देने के लिए उतरे। उन्होंने आते ही चौका भी लगाया। इसके बाद उन्होंने पुजारा के साथ 32 रन की पार्टनरशिप की और लगभग 13 ओवर तक क्रीज पर रहे, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद आई और सीधे विकेट कीपर की तरफ गई। बिलिंग से चूक हुई, गेंद दस्तानों से निकलकर गिरने ही वाली थी कि फर्स्ट स्लिप में खड़े जो रूट ने एक हाथ से इस गेंद को लपक लिया। विराट कोहली से इस टेस्ट में भारतीय टीम और फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते लेस्टर शाह के खिलाफ खेले गए 4 दिन वाले प्रैक्टिस मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में एक बार फिर विराट कोहली अच्छे दिखने के बाद आउट होकर लौट गए। विराट कोहली ने इस मैच की दोनों पारियों में मिलाकर 31 रन बनाए हैं। विराट कोहली के बल्ले से आखिरी शतक साल 2019 में दिखा था, जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में शतक बनाया था। उसके बाद से उनकी बल्ले से बड़े रन देखने को नहीं मिले। विराट कोहली से उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में कम से कम 40 रन तो पूरे करेंगे ही, जिससे कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 2000 टेस्ट रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाते। लेकिन विराट कोहली के खराब फॉर्म के चलते वो इस आंकड़े को पूरा करने से भी 9 रन से चूक गए। विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पसंद है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक और 9 अर्धशतक बनाए हैं। 5 में से 3 शतक तो 2018 की सीरीज में ही आए थे। यहाँ तक कि विराट का टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 235 रन भी इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में आया था, लेकिन अब दोहरा शतक तो दूर, विराट के बल्ले से शतक भी नहीं आ रहा है। इंडियन फैंस अब एक बार फिर यही उम्मीद करेंगे कि अगर विराट ने टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए तो कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में कमाल की बैटिंग करे। मैच की बात करें तो भारतीय टीम मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। पहली पारी में 416 रन बनाने के बाद भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में 284 रन पर समेट दिया, जिसकी मदद से भारत को पहली पारी के आधार पर 132 रन की बढ़त मिली, जिसके बाद टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं, यानी भारत के पास मैच में 257 रन की बढ़त आ गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।